गाइस क्या आज का दिन में इस आईफोन 6s को कैमरे के लिए परचेस किया जाए? तो एक्चुअल में गाइस ये जो डिवाइस है लॉन्च हुआ था 2015 में और उसके हिसाब से 7 years ओल्ड है इस डिवाइस, ठीक है। तो आप अगर 2022 में इस डिवाइस का कैमरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो गाइस एकदम आपको देखना चाहिए, क्योंकि गाइस आज का दिन में भी इतना जबरदस्त कैमरा क्वालिटी देता है इस डिवाइस के, आप लोग जो है विश्वास ही नहीं करोगे, ठीक है। एक्चुअल में गाइस तो मैं इस डिवाइस को परचेस किया था एक्स्ट्रा कवर की तरफ से, सो उसका आप अगर अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो उसके हिसाब से मेरे को प्राइस पड़ा है 7,200 rupees। तो गाइस आज का दिन में 7,200 rupees अगर आप लगाते हैं इस डिवाइस में तो उसका कैमरा क्वालिटी कैसा देखने को मिलेगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस डिवाइस का रियर एंड फ्रंट कैमरे से मैंने हर लाइटिंग कंडीशंस में फोटो एंड वीडियो शूट किए हैं। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, क्योंकि गाइस एकदम शॉकिंग रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिला है इस डिवाइस का कैमरे में, ठीक है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ इस डिवाइस का कैमरा सेंसर के बारे में। तो रियर साइड में जो है आपको एक सिर्फ टिकली जैसा एक सिंगल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है जो है 12 megapixel, और वही अगर हम बात करें फ्रंट कैमरे के बारे में तो फ्रंट साइड में जो है आपको एक सिंगल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है जो है 5 megapixel। तो गाइस इसीलिए आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस इस आईफोन 6s का हम कैमरा रिव्यू करने वाले हैं आज का दिन में। तो गाइस हम देरी किस बात की कर रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को क्विकली स्टार्ट करते हैं। अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं इसी आईफोन 6s का रियर कैमरे से, सो वीडियो शूट हो रहा है 1080p 30fps पे। तो इस डिवाइस का रियर कैमरे से आप वीडियो शूट कर सकते हैं 4K 30fps, 1080p 60fps और 1080p 30fps पे। लेकिन गाइस इस डिवाइस का रियर कैमरे में आपको कोई भी स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, सो चलिए फिर भी हम आप लोगों को थोड़ा सा दौड़ के दिखाते हैं। तो अभी हम दौड़ रहे हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऑटो फोकस भी कैप्चर करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से कर पा रहा है। थोड़ा सा जो है वो टाइम लगा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन गाइस आज का मौसम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूमिंग करके दिखाता हूँ, तो गाइस आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर जो है वो जूमिंग आ रहा है इस डिवाइस में। सो एक्चुअल में आज का दिन में भी इस डिवाइस अच्छी तरीके से जूमिंग क्वालिटी दे देता है। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा डायनामिक रेंज भी कैप्चर करके दिखाता हूँ,
थोड़ा सा जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आज का दिन में इस डिवाइस अच्छी तरीके से वीडियो शूट कर लेता है। ठीक है, अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं इसी iPhone 6s का फ्रंट कैमरे से। सो वीडियो शूट हो रहा है 720p 30fps पे। तो गाइस, इस डिवाइस का फ्रंट कैमरे से सिर्फ 720p 30fps पे ही वीडियो शूट कर सकते हैं, और इस डिवाइस का फ्रंट कैमरे में आपको कोई भी स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। सो चलिए मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा दौड़ के दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और गाइस, अभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ रहा है मेरा फेस के ऊपर, तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा घूम के दिखाता हूँ। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो अच्छी तरीके से दिखाई देता है, और डायनेमिक रेंज अगर हम कैप्चर करके देखते हैं तो गाइस सब देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से आज का दिन में भी कैप्चर कर लेता है। जैसे कि स्काई में जो है वो बहुत सारा बादल छाया हुआ है, तो हम थोड़ा सा आप लोगों को घूम के दिखा देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करता है इस डिवाइस का फ्रंट कैमरा। तो गाइस, मैं कहूँगा कि 2022 में इस डिवाइस का कैमरा क्वालिटी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है, रियर एंड फ्रंट। यही था मेरा आज का वीडियो इस iPhone 6s का कैमरा रिव्यू के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, तो इसके लिए प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आप अगर पहली बार हमारे इस चैनल में नए हो तो गाइस प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके वॉल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि गाइस हम इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं हमारा इसी चैनल में। ठीक है, तो चलिए गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। लेकिन गाइस अपना ख्याल जरूर रखिएगा।